तो आज हम स्पाइवर्स के मेन विलन को एक्सप्लोर करेंगे कि वो कौन होगा, उसका मकसद क्या होगा, या फिर उसे स्पाइवर्स के मेकर्स कैसे एस्टेब्लिश करेंगे। तो भाई लोग, स्पाइवर्स से जुड़े लगभग हर टॉपिक को हम अपनी वीडियोस में कवर कर चुके हैं, चाहे वो स्पाइवर्स का फ्यूचर हो, जिम भैया की जन्म कुंडली हो, या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन और एंडिंग एक्सप्लेन करना हो। तो तुम्हें स्पाइवर्स को लेकर अगर कोई भी डाउट हो तो बॉलीवुड एक्सप्लेनेशन वाली मेरी इस प्लेलिस्ट को चेक जरूर करना। तो भाई लोग, बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि हम स्पाइवर्स के थैनोस चचा के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं, जिन्होंने अपना सुंदर सा मुखड़ा भी अपने को अभी तक नहीं दिखाया है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विक्की और आप देख रहे हो विक्की फिल्मी टॉक। सबसे पहला और अहम सवाल यही है कि थैनोस चचा होंगे कौन और उनके सुंदर से मुखड़े का दर्शन हमें कब होगा, क्योंकि भाई उन्हें देखने के लिए हम सब व्याकुल है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और हम ये भी देखना चाहते हैं कि शाहरुख, सलमान और ऋतिक को अकेला निपटाने का दम रखता हो ऐसा कोई है भी या नहीं। अब देखो यार, ऐसे रूमर्स निकल कर आ रहे हैं कि इसमें अजय देवगन या फिर आमिर खान को लिया जाएगा, और सच कहूँ तो इनके सिवा बॉलीवुड में कोई है भी नहीं जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा सके। लेकिन अगर मेरे मास्टर माइंड की सलाह मानो तो स्पाइवर्स के मेन विलन के लिए साउथ के किसी बड़े स्टार को कास्ट करना चाहिए। मगर क्यों? देखो बेटा, ऐसा है कि KGF 2 और RRR जैसी फिल्मों में बॉलीवुड स्टार्स को लेने के पीछे का बस यही मकसद था कि ये फिल्में हिंदी ऑडियंस का अटेंशन ले सके, और ऐसा ही हुआ भी। वैसे भी स्पाइवर्स की जिस तरह की अभी सिचुएशन है, इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है, और अगर तुम पठान के साउथ बॉक्स ऑफिस के आंकड़े देखोगे तो वो कुछ खास नहीं है। इसलिए अभी मेकर्स के पास एक अच्छा मौका है साउथ ऑडियंस का अटेंशन स्पाइवर्स की तरफ खींचने का। चलो दो तीन नाम मैं ही सजेस्ट कर देता हूँ। पहला तो KGF स्टार यश, दूसरा जूनियर NTR, और तीसरा मेरे फेवरेट अल्लू अर्जुन। वैसे तो ये तीनों ही मेरे फेवरेट हैं। अगर इन तीनों में से किसी ने भी मेन विलन का रोल किया तो हिस्ट्री बन जाएगी। वैसे तुम भी अपने फेवरेट नाम कमेंट में सजेस्ट जरूर करना। नहीं। और रही उसके एंट्री की बात, तो मुझे लगता है कि टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में उसे दिखाना चाहिए। हाँ, उसे बिल्ड करने में टाइम तो लगेगा, लेकिन एक झलक दिखाने से हाइप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन भाई लोग, मैं तुमको पहले ही बता दूं कि मेकर्स उसे कब दिखाएगी ये अपने को पता नहीं है। खैर, अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ कि आखिर उसका मकसद क्या होगा, क्योंकि भाई सब लोग जोकर जैसे थोड़ी ना होते हैं, और मेन विलन का एक तगड़ा मकसद तो होना ही चाहिए, जैसे कि अपने थैनोस का था। थैनोस के मकसद ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि थैनोस हीरो था या फिर विलन। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। और अगर सच में मैं बॉलीवुड के हिसाब से सोचूं तो उसका मकसद इंडिया की बर्बादी ही होगी। लेकिन मेरी माने तो बॉलीवुड को एक ऐसी बड़ी चीजें छोड़ के कुछ बड़ा करना चाहिए, और इसीलिए उसका मकसद कुछ ऐसा होना चाहिए जो अपने को हिला दे। और तुम मानो या ना मानो, पर एक विलन का मकसद ही ये तय करता है कि वो कितना ग्रेट है। जैसे कि थैनोस की दुनिया बचाने वाले मकसद ने ही उसे ग्रेट बनाया था। जोकर को इसीलिए लेजेंड माना जाता है क्योंकि किसी भी आम विलन से परे जोकर का मकसद बहुत ही डीप होता है। ना कुछ खोने का डर और ना ही कुछ पाने की ख्वाहिश, बस समाज का असली चेहरा देखने का उसका जुनून ही उसे जोकर बनाता है। तो अपने स्पाइवर्स के मेन विलन का भी कुछ इस तरह का मकसद होना चाहिए, जैसे कि इंडिया की कोई डार्क साइड या फिर दुनिया की कोई गलत चीजें जैसे वो सही करना चाहता हो, और उसके गलत तरीके की वजह से वो अपने इंडिया को टारगेट करेगा। अब देखो, एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे सकता, तुम खुद ही समझ लो, तुम उतने समझदार हो। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो देखने में मजा भी आएगा। खैर, विलन को हीरो बनाने के अपने इमोशन को साइड में रखते हुए आगे बढ़ते हैं इन सभी चीजों को छोड़ के। और एक जो है, जो किसी भी सिनेमैटिक यूनिवर्स के मेन विलन के लिए बहुत ही जरूरी होती है, वो है उसका प्रेजेंटेशन। मतलब मेकर्स किस तरह से उसे पब्लिक के मन में एक बैड एस की तरह बिठाते हैं, कि चाहे उसके सामने पूरे एवेंजर्स भी क्यों ना खड़ी हो, पर उससे अपनी नजरें नहीं हटनी चाहिए, और उसकी एक झलक देखने के बाद ही उसके बारे में जानने का मन करना चाहिए। अच्छा, इसका बेस्ट एग्जांपल तुमको लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स में मिल जाएगा। विक्रम मूवी में रोलेक्स के ना होते हुए भी उसकी दहशत को महसूस किया जा सकता था, और लास्ट में जब वो आता है तो तुम सिर्फ एक मिनट में ही सारी मूवी को भूल के रोलेक्स के ओरा में खो जाते हो। इसे कहते हैं प्रेजेंटेशन। आज भी रोलेक्स के बारे में जानने के लिए लोगों की तड़प सेम है भाई, और इसी वजह से मैंने मेन विलन के लिए साउथ एक्टर्स के नाम सजेस्ट किए थे और बॉलीवुड के बड़े स्टार्स के, क्योंकि इसमें किसी बड़े एक्टर को ही लेना पड़ेगा, वो भी हीरो को, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, हर कोई इस जिम्मेदारी को नहीं निभा सकता। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अब चलो, एक टाइम के लिए मान लेते हैं ये सारी चीजें हो गई, सब कुछ परफेक्ट हो गया, तो अब आगे क्या? ये सवाल हर सिनेमैटिक वर्स में आता ही है, जब तक कि उसका एंड गेम ना आ जाए। तो स्पाइवर्स में मेन विलन के इंट्रोड्यूस होने के बाद वही चिल्लम चिल्ली शुरू हो जाएगी। मतलब कि जिम से लेकर रिजवान इलैसी तक सारे डॉट्स इसी पे आके रुकेंगे या फिर कनेक्ट हो जाएंगे, और एक ऐसा टाइम आएगा जब अपने थैनोस चचा को खुद मैदान में उतरना पड़ेगा। और मैं ऐसे ही सोच रहा था कि तुम जरा सोचो, जिस तरह से एंड गेम में थैनोस से थॉर, कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन एक साथ भिड़े थे, वो भी हैंड टू हैंड, अगर ऐसा ही कुछ स्पाइवर्स में हो तो।
यहाँ पे और मजा इसीलिए भी आएगा क्योंकि नताशा की तरह सभी बिना सुपर पावर्स के सुपर हीरो होंगे और इतना मजा आएगा जितना कि तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये सब कब होगा ये मत सोचो क्योंकि अभी बहुत टाइम लगने वाला है। अभी तो स्पाइडरमैन का जन्म हुआ है, अभी तो वो छोटा बच्चा है, अभी तो जोकर टीम भी बिल्ड होनी है। वैसे अगर तुम्हें ये जानना है कि कैसे पठान स्पाइडरमैन का आयरन मैन बनके अपनी एवेंजर्स टीम बनाएगा और कैसे टाइगर कैप्टन अमेरिका बनके उसे संभालेगा तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दबा के लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, वरना तुम ऐसे ही वीडियोस को मिस कर दोगे तो नुकसान तुम्हारा ही है। इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दो। तो फिर आज की वीडियो में इतना ज्ञान काफी है, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।